हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर इंटर वर्कशीट वी लुकअप कैसे यूज करते हैं। अब इंटर वर्कशीट वी लुकअप का मतलब होता है कि जहां पर हमारा डेटा जो है वो किसी और शीट पर होता है और हमें अपना आंसर जो है वी लुकअप की हेल्प से लाना होता है किसी और शीट पर, यानी कि जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं अलग अलग वर्कशीट से अलग अलग वर्कशीट के ऊपर डेटा पुल करके लाना यूजिंग वी लुकअप, जिसको हम बोलते हैं इंटर वर्कशीट वी लुकअप। तो ये क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा और खूबसूरत सा एग्जांपल लिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम आज इस वीडियो के अंदर इंटर वर्कशीट वी लुकअप यूज करना सीखेंगे। तो ये खूबसूरत चीज हम स्टार्ट करें सीखना, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लें, क्योंकि वी लुकअप के अंदर लगभग लगभग मैंने 10 से 12 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं और अभी आपको कम से कम 3 से 4 वीडियोस वी लुकअप के अंदर और भी मिलेंगी, जहां पर आपको वी लुकअप के अंदर आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे अलग अलग फॉर्मूला के साथ अलग अलग तरीके से बेहतरीन यूजेस उनका सिखाऊंगा मैं आपको। सो फिलहाल मैं समझाता हूं कि आपको मैं इंटर वर्कशीट वी लुकअप की हेल्प से मैं करना क्या चाहता हूं। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मेरे कुछ दोस्तों के नाम लिखा हुआ है और वो क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं और उन्होंने अपने इन इन सब्जेक्ट्स के अंदर कितने कितने मार्क्स स्कोर किया है ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। एंड नाउ मैं चाहता हूं दूसरी शीट के ऊपर यहां पर, अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पर मैं जिस भी अपने दोस्त का नाम लिखता हूं उसके साइंस में कितने मार्क्स हैं या जो भी मैं सब्जेक्ट ऊपर सिलेक्ट करता हूं उन सब्जेक्ट्स में उन्होंने कितने कितने मार्क्स अचीव किए हैं ये वी लुकअप मेरे लिए लेकर आए। लेकिन ये ध्यान रखना होगा आपको कि यहां पर मेरा डेटा जो है वो किसी दूसरे शीट पर है और मुझे आंसर लाना है किसी दूसरे शीट के ऊपर से, तो मैं ये कैसे लाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो मैं क्या करूंगा कि आपको अपने इस वाले सेल का एड्रेस पास कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस सेल के अंदर जो नाम लिखा हुआ है उस नाम का मुझे रिजल्ट चाहिए। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा और कॉमा प्रेस करने के बाद मुझसे पूछ रहा टेबल अरे, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि मेरा टेबल जो है वो इस वाली शीट के ऊपर तो है नहीं, तो मैं अपनी उस वाली शीट के ऊपर जाऊंगा और अपने पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉमा प्रेस करूंगा। अगर मैं कॉमा प्रेस नहीं करूंगा और कॉमा प्रेस किए बिना अपनी दूसरी शीट के ऊपर चला जाऊंगा तो ये क्या करेगा, मेरी शीट की या मेरे जो डेटा की सिलेक्शन है वो हट जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार कॉमा जरूर प्रेस करना होगा। उसके बाद मुझे साइंस वाले सब्जेक्ट के आंसर चाहिए, तो साइंस वाले सब्जेक्ट के अंदर कौन से वाले कॉलम के अंदर आंसर रखा हुआ, तो मैं क्या करूंगा वो कॉलम इंडेक्स नंबर पास करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, वो कॉलम इंडेक्स नंबर जो है पास करता हूं, लगता है कुछ गलती हो गई है, मैं दोबारा वी लुकअप लगाता हूं। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस कॉमा, मेरा जो डेटा है वो है ये कॉमा, और अब मुझे चाहिए साइंस वाले कॉलम से आंसर। तो साइंस वाला जो कॉलम है वो आ रहा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, छठे नंबर पर आ रहा, तो मैं टाइप करूंगा सिक्स। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यूज करूंगा जीरो और ब्रैकेट क्लोज करके कर दूंगा एंटर। ये देख रहे हैं आप, जैसे मैंने एंटर किया तो इसने क्या किया, राज ने साइंस वाले सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स स्कोर किए हैं इसको ये लेकर आ गया। चलिए देखते हैं, राज ने साइंस में स्कोर किए हैं 47, तो आ गया 47। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ये देख रहे हैं बाकी सबके आंसर को लेकर आ जाएगा बड़ी ही इजीली तरीके से। ये देखिए आप, राहुल ने साइंस में कितने स्कोर किए हैं, 75, राहुल ने 75 स्कोर किए हैं। अब अगर मुझे किसी और सब्जेक्ट के मार्क्स जानने हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मुझे लॉ के जानने हैं तो लॉ का जो कॉलम नंबर है वो है 8, तो मैं क्या करूंगा अपने फॉर्मूले को एडिट करूंगा और यहां पर 7 है लॉक वाले, तो मैं टाइप करूंगा यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर दूंगा सिंपल। ये देख रहे हैं आप, और अब मैं दोबारा इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं, तो राज ने लॉ में स्कोर किए हैं 78, चलिए चेक करते हैं। ये देख रहे हैं आप, राज ने 78 स्कोर किए हैं, पूजा ने 95 स्कोर किए हैं, तो पूजा क्या है 95। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि इंटर वर्कशीट वी लुकअप क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटर वर्कशीट
यूज करने का या इंटर वर्कशीट वी लुकअप यूज करने का एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल लेकर आने वाला हूं, जहां पर मैं अलग अलग, यहां पर तो मेरा डेटा सिर्फ एक शीट के ऊपर था लेकिन मैं आंसर ला रहा था अपने दूसरी शीट के ऊपर, जबकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीन अलग अलग शीट के ऊपर मेरा डेटा होगा और मैं आपका आंसर लेकर आऊंगा किसी चौथी शीट के ऊपर, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।